सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी धान की पराली जलाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गोहाना और सोनीपत में पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। गोहाना में 12 मामले सामने आए, साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। रिपोर्ट देखिए। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद धान की पराली जलाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गोहाना में पिछले कुछ दिनों में किसानों की ओर से पराली जलाने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब तक पराली जलाने के 12 मामले सामने आ चुके हैं और एक किसान पर खेत में पराली जलाने का मामला भी दर्ज हुआ है। कृषि विभाग की तरफ से सभी किसानों को नोटिस जारी किया गया है, साथ ही किसानों से 30,000 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया है। तहसील के अंदर 12 केसेज आए हैं आगजनी के, और उनको सर्च करवा के जो भी वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई बनती थी फाइन की, वो वसूल लिया गया है। तकरीबन किसी किसान पर मामला दर्ज भी हुआ है? एक किसान का था कि भाई उसका किला नंबर के हिसाब से वो नए मौके पर न होने का 0 एफआईआर दर्ज कराई गई है एक किसान की। सर कितना फाइन बनता पता है? पराली जलाने के मामले सिर्फ गोहाना में ही नहीं बल्कि सोनीपत में भी सामने आ रहे हैं। दरअसल सोनीपत के मंडोरा गांव में किसानों ने पराली का स्टॉक किया था, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। किसान सुरेंद्र का आरोप है किसी ने रंजिश के चलते ऐसा किया, हालांकि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल पराली जलाने को लेकर सरकार के प्रयास कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। कहीं न कहीं पराली को लेकर योजना बनाने के साथ सख्ती से पालन करवाने की जरूरत है। गोहाना से सुनील जिंदल और सोनीपत से कविता शर्मा, टोटल न्यूज।